हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी टी स्पेंस। मेरा नाम धवल ठक्कर। अभी मैं आपके सामने दो स्टॉक लेकर आया हूं और दोनों पेनी स्टॉक है, लेकिन मेरी नज़र से अगर मैं देखने जाऊं तो आपके साथ में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इन स्टॉक्स के बारे में, जहां पर आपको भी लगेगा कि हाँ, एक छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए ये स्टॉक्स के अंदर। हमेशा से मेरी आदत रही है कि आपके पास में अगर लाख रुपया है तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि लाख रुपये का एक साथ में स्टॉक ले लो। फंडामेंटली साउंड कर रहा है, जो भी कर रहा है, 2-3 हज़ार रुपये का स्टॉक लो। रोज़ नए मौके मिलेंगे पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का। 2-3 हज़ार का स्टॉक लेते जाओ, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाते जाओ। कल को उठ के उसके अंदर अगर बोनस वोनस ऐड होगा तो फिर, अगर कंपनी ने अगर बोनस दिया तो फिर अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या होगी ये आप खुद सोच सकते हो। तो ये जो स्टॉक है मेरे पास में, ये स्टॉक का नाम है ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। ये स्टॉक का नाम है ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड में ये स्टॉक है और एडवर्टाइजिंग के अंदर भी ये स्टॉक है। ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई गया था, ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई गया था 206 रुपये का, इसका ऑल टाइम हाई गया हुआ था। और अब 52 वीक हाई जो इसका गया था वो 117 रुपये का, इसका 52 वीक हाई गया हुआ था। और 52 वीक लो जो गया था, लो अभी जो हुआ इसका, वो है 26 रुपये 20 पैसे का, उसका 52 वीक लो हुआ है। और करंट इसका प्राइस चल रहा है 29 रुपीज। ये पैनी स्टॉक है, लेकिन इसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगा कि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ये चीज़। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ये स्टॉक के अंदर, 100 शेयर की SIP करके चलो। क्यों करके चलो? इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मुझे ये स्टॉक को लेने के लिए अट्रैक्ट करता है। सिर्फ 100 शेयर्स, मतलब 3,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट करके चलिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है मैं भी आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको ये बताऊँ कि ये स्टॉक ने 28 जून 2021 के अंदर 1:4 का बोनस दिया था। उसके बाद 25 जैन 2022 के अंदर ये स्टॉक ने 2:3 का बोनस दिया हुआ था। मतलब बोनस हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं स्टॉक की थोड़ी बहुत हेल्थी रही है। अब इसके अंदर मैं कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँ। भले ये स्टॉक 29 रुपये वाला स्टॉक है, 30 रुपये वाला स्टॉक है, ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप ये स्टॉक का है 5,934 करोड़, इसका मार्केट कैप है। सेकंड थिंग, 2018 में जहां पर इसका सेल्स था 2420 करोड़, उसके सामने 2022 के अंदर इस कंपनी का सेल्स है 5,019 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल किया हुआ है 5 साल के अंदर। 2018 में जो इसका प्रॉफिट था 407 करोड़, वहीं पर अभी इसका प्रॉफिट है 912 करोड़। ये फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे ये स्टॉक्स के बारे में जो अट्रैक्ट करती है, अब हमेशा मैं ऐसे स्टॉक्स चुनता हूँ जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी हेल्दी हो, लेकिन ये स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत अलग है, जिसको मैं थोड़ा, मतलब आपको आपके सामने डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप इसकी देखने जाओगे तो प्रमोटर के पास 18.40 का होल्डिंग है। अब आप सोचोगे कि ये हमेशा जब भी यहाँ पर स्टॉक देता है, इसे रिकमेंड करता है कोई भी स्टॉक यहाँ पर जिसके बारे में भी रिसर्च बताता है, तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग या तो 50%, 75%, 75% ऐसी होती है। तो इसकी तो सिर्फ 18% है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर अट्रैक्ट करी है वो ये है कि FIS की जो होल्डिंग है, FIS की होल्डिंग ये स्टॉक के अंदर 14% है। 14% की FIS की होल्डिंग है। अब अगर FIS अगर यहाँ पर 14% की होल्डिंग कर सकता है ये कंपनी के अंदर, जहाँ पर इसके बोनस हिस्ट्री भी है, जहाँ पर मार्केट कैप 5,934 करोड़ का है, वहाँ पर हम कम से कम 100 शेयर का तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर सट्टा करने की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसका जो आने वाले 4 क्वार्टर के रिजल्ट अगर सही आ गए ना, तो आपको ये 1 साल के अंदर ये शेयर दुगना हो जाएगा। ये 30 रुपये का 60 रुपये का शेयर हो जाएगा। ये यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अगर आप चाहो तो, डिस्क्लेमर के साथ में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मेरी पर्सनल स्टडीज़ है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेनी हो तो ले सकते हो, लेकिन एक 3,000 रुपये की एक छोटी सी SIP मैं बनाने की एडवाइस करूँगा ये स्टॉक के अंदर। और एक स्टॉक है, पेनी स्टॉक है जो मेरी नज़र में आया हुआ है। ये स्टॉक के अंदर मैं, मतलब इसके अंदर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 2,500 की SIP करो। स्टॉक का नाम है लेंसर कंटेनर स्टॉक का नाम है। 226 रुपये का ये रेट चल रहा है इसके अंदर।
एक 10 शेयर की SIP करके आप चल सकते हो 2500 रुपये के आसपास की। यहाँ पर 52 वीक हाई इसका 245 है और 52 वीक लो इसका 162 है। कहीं ना कहीं आप सोचोगे ये तो मतलब बहुत लो के ऊपर देता है, ये आज बीच में क्यों वो बात कर रहा है चढ़ने की इसके ऊपर, लेकिन मेरे को इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर रही है इसके अंदर, और वो चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने कहा आपको कि मार्केट कैप इसका 1365 करोड़ का है। बोनस हिस्ट्री अगर मैं इसकी देखने जाऊँ तो 2021 में 2:1 का इसने बोनस दिया हुआ है। 2018 में इसकी जो सेल्स 109 करोड़ की थी उसके सामने 595 करोड़ की 2022 की सेल्स है, और जहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस के अंदर 2018, 2019, 2020, 2021 जहाँ पर मतलब उसका 7, 8, 6 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 के अंदर 27 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरा इंटरेस्टिंग कॉलम, प्रमोटर के पास 55% है, एंड अगेन यहाँ पर FIS के पास में 20.46 का होल्डिंग है। मतलब ये शेयर मुझे इसलिए यहाँ पर अट्रैक्टिव लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल फ्रंट के ऊपर अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो टेक्निकल फ्रंट पे 214 के आसपास के 210 के आसपास का इसका काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से ये ऊपर आया हुआ है, अभी रिसेंटली इसके अंदर एक फॉल अच्छा था लेकिन वहाँ से मतलब उसने काफ़ी अच्छा रिकवरी किया हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ये स्टॉक शायद अगर यही पैटर्न से चलता रहा आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर रिजल्ट अच्छे गए 40 से 50% का रिटर्न ये आपको दे सकता है, ज़्यादा नहीं, 2 से 2500 रुपये का शेयर्स लीजिए। अगर आप 2500 का शेयर ले तो हार्डली 10 शेयर के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरी तरफ से 2 स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे जो मैंने आपके सामने अभी रखे हैं। आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल DT Venture।